आम मोस्टली सबका फेवरेट फ्रूट होता है, तो क्यों ना बनाया जाए आसान सा मैंगो केक घर पर ही, वो भी बिना ओवन के। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फूड फुल ऑफ फ्लेवर्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए बनाते हैं मैंगो केक। हमें लेना है हाफ कप कुकिंग ऑयल, एक कप पाउडर्ड शुगर, दो मैंगो रफली चॉप्ड, 1.5 कप मैदा और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। सबसे पहले हम आम को ब्लेंडर में डाल के एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे पाउडर्ड शुगर को इस मैंगो पल्प में ऐड करेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अपनी केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। या मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और सब तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा सा मैदा लेंगे और हम चारों तरफ अच्छे से डस्ट करते हुए पूरे केक टिन को कोट कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल में अपना आम और चीनी का जो पेस्ट था वो डाल लेंगे और हाफ कप कुकिंग ऑयल जो हमने लिया था वो ऐड करते हुए लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से विस्क करेंगे, सो दैट इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ हो जाए। ये प्रोसेस आपको 4 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में करना है। अब हम एक छलनी लेंगे और उसमें मैदा डालेंगे और धीरे धीरे सारी मैदा को छानते हुए उस बैटर में मिलाएंगे। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है जिससे मैदा में कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए मैंने अच्छे से पूरी मैदा को डाल लिया है। एक बार में आप थोड़ी थोड़ी मैदा लें। अब हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और उसे भी अच्छे से डस्ट कर लेंगे। अब हम अपने बैटर को कट फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे। फोल्ड प्रोसेस मतलब आप साइड से पूरे बैटर को लेके आइए और बीच में कट लगाते हुए अच्छे से पूरे बैटर को आपस में मर्ज करिए। जनरली बेकिंग में हम कट फोल्ड मेथड ही यूज़ करते हैं। अब हम 1/2 कप दूध लेंगे और धीरे धीरे अपने बैटर में ऐड करेंगे जिससे इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाए। ये दूध हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। इसी पे हम धीरे धीरे कट फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम थोड़ी टूटी फ्रूटी लेंगे और उसे मैदा में डस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम केक में ये डालेंगे तो ये केक में आपस में चिपकेंगी नहीं। तो इसे मैंने आधी टूटी फ्रूटी लेके केक में अच्छे से मिक्स कर लिया है और बची हुई आधी टूटी फ्रूटी हम ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, हम इसे अपने केक मोल्ड में डाल लेंगे। ये ऊपर से मैंने बची हुई टूटी फ्रूटी भी लगा दी है। अब मैंने पैन लिया है, इसे मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें नीचे में कोई भी बर्तन रख दूंगी जिससे थोड़ी सी हाइट मिल जाए पैन को और इसके ऊपर मैं अपना केक टिन रख सकूं। अब इसे हम ढककर 35 से 40 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए 25 मिनट्स बाद मेरा केक अच्छे से फूलना शुरू हो गया है। और ये देखिए 35 मिनट्स बाद मेरा केक बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लूँगी, मेरी टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब मेरा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे धीरे से पैन से निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद मैं इसकी साइड को हल्के से चाकू क्लीन कर लूँगी और एक प्लेट लगा के इसे धीरे से अनमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए केक कितने अच्छे से बिल्कुल पक चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और केक को काट लेंगे। आप इसको थोड़ा ठंडा करके खाएंगे तो ये और टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बना है। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।